इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। जबलपुर गौर थाना अंतर्गत एक गोदाम से पाइप और नोजल चुराने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आकाश पाठक और उसके पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके गोदाम में पाइप और नोजल रखे हुए थे जो रात्रि में चोरी हो गए। इसके बाद पुलिस ने 5 चोरों की शिनाख्त की और उनकी तलाशी की तो सभी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने उनके पास से चोरी का माल भी बरामद किया है। आकाश पाठक पिता सुखचैन पाठक उम्र 31 साल निवासी पिपरिया कला की गोदाम में पाइप रखी थी 70 नंग पाइप एवं 13 नोजल जो चोरी हो गए, जिसकी रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर और आरोपियों की तलाश किया तो आरोपियों की तलाश सुभाष और पठन्नी अमृत और अमित कोल सनी कोल शुभम कोल एवं जितेंद्र कोल इन पांचों लोगों ने चोरी किए थे। ये खमरिया के रहने वाले हैं, पहले भी एक मोटर चोरी में ये लोग पकड़े जा चुके हैं, इनमें से एक दो लोग। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित अड्डी गोदाम में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन नगर निगम व पुलिस की टीम अवैध कब्जे हटाने पहुंची। जमीन पर कब्जा हटाने की कार्यवाही का महिलाओं ने विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद अवैध कब्जे हटाने की कार्यवाही की गई। जैसा कि यहाँ अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है, ये जहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है ये वक्फ बोर्ड की जमीन थी और वहाँ के सेक्रेटरी द्वारा जो है कार्रवाई के लिए रिक्वेस्ट किया गया था प्रशासन को और उन्हीं के आदेश पे यहाँ पे अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है। काफ़ी पुराने से कुछ लोग यहाँ पे जमा के बैठ गए हैं। ये पूरी ज़मीन ऐसा बताया जा रहा है वक्फ बोर्ड की है, तो जो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उस पर अतिक्रमण हटवाया जा रहा है और पुलिस यहाँ पर सुरक्षा कारणों से यहाँ पर बनी हुई है। कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है, इसमें नायब तहसीलदार साहब भी उपस्थित हैं। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बायपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर में 21 नवम्बर की देर शाम ओमती थाना क्षेत्र के सिविल कोर्ट के सामने 5 बदमाशों के द्वारा एक व्यक्ति जो कि न्यायालय में अपनी जमानत को लेकर आया था उसके साथ गाली गलौज की घटना को अंजाम देते हुए मारपीट की गई थी, जिसके बाद पीड़ित के द्वारा पूरे मामले की शिकायत ओमती पुलिस को की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में 3 आरोपी अभी भी फरार है जिनकी तलाश ओमती थाना पुलिस कर रही है। कोर्ट परिसर 3 नंबर गेट के सामने घटित गोलीबारी के प्रकरण में निहाल नायडू एक शराब के प्रकरण में 34 के प्रकरण में थाना घमापुर से जुडिशल रिमांड पे है। हम उसका पुलिस रिमांड लेके अग्रिम कार्रवाई करेंगे और गिरफ्तार शुमारी करेंगे। आज हमने ऋषि राज सिंह जो दूसरा आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया है, जिसको कल हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और इसका भी हम जुडिशल रिमांड लेंगे। जबलपुर के बरगी थाना पुलिस ने बरगी थाना क्षेत्र एवं बरगी नगर चौकी में विभिन्न अपराधों में लिप्त इनामी बदमाश राजेश उर्फ रज्जू पटेल को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए बरगी चौकी प्रभारी आशुतोष मिश्रा ने बताया कि राजेश उर्फ रज्जू पटेल को जिला दंड अधिकारी द्वारा प्रत्येक बुधवार को थाने में पेश होकर हाजिरी देने के लिए आदेशित किया गया था, पर राजेश पटेल के द्वारा थाने में न आकर 1 महीने से फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को मामले में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसके बाद आरोपी को न्यायालय के द्वारा केंद्रीय जेल भेज दिया गया। आरोपी पर बरगी थाना एवं बरगी थाना क्षेत्र में विभिन्न अपराध दर्ज हैं। अपने बरगी नगर चौकी और बरगी थाना क्षेत्र का एक आरोपी है, आत्मन अपराधी है राजेश और रज्जू बटे। इसके विरुद्ध कई अपराध पंजीबद्ध थाना बरगी में, जिसका जिला बदर का प्रकरण माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय के यहाँ पेश किया गया था, जिसमें जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा इसे प्रतिदिन बुधवार को हाजिरी के लिए निर्देशित किया गया था, परंतु इसके द्वारा दिनांक 26 तारीख को इसको हाजिरी पे आना था, ये हाजिरी पे नहीं आया है, जिसके विरुद्ध आदेश के उल्लंघन पाए जाने पर धारा 188 IPC तथा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए आज दिनांक को इसे गिरफ्तार किया है। आरोपी वक्त 1 महीने फरार चल रहा था, जिसकी आज दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर इसे गिरफ्तार किया गया है।